कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज 18 तारीख है, दिन है सैटरडे है आज। तो आज सैटरडे और संडे हमारे यहाँ पूरी तरह से सख्त लॉकडाउन हो गया है। तो इस टाइम पे जो है चाय नाश्ता मैंने निपटा दिया है, और ये पड़ोस में ही है इनका काम, ये पड़ोस में ही चले गए हैं काम निपटाने के लिए। और यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, और मतलब अच्छे से। वैसे साफ़ तो रात को भी होता है, दिन में भी होता है, जितनी बार खाना बनता है 3 बार उतने बार तो होता ही है। पर वो कहते हैं ना कि पूरा अच्छे से, मतलब गैस को भी अच्छे से साबुन से साफ़ करना, दीवारें भी, तो वो मैं कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। तो मैंने दीवारों पे भी अच्छे से कपड़ा मार दिया है, नीचे भी, और गैस पे मैंने साबुन से स्क्रब से थोड़ा सा रगड़ दिया है, और इसे भी साफ़ कर दिया है गीले कपड़े से। और बगल में आप देख रहे हैं चने मैंने अंकुरित करे हैं भिगो के, उनमें थोड़ा सा अंकुर निकल गया है। तो अंकुरित चने जो होते हैं वो खाने चाहिए सुबह सुबह मॉर्निंग में, बहुत अच्छे होते हैं। और आपने देखा गुड्डू जो है वो सब्जी खाली कर रही है टोकरियों में, तो सब्जी लाए थे कल इसके पापा, तो वही खाली कर रही है। और मैं इधर बर्तन धो रही हूँ, मैंने कहा चलो पहले ये जो किचन का होता है काम ये निपटा देती हूँ, किचन को क्लीन करना और ये बर्तन वगैरह सारा निपटा देती हूँ, क्योंकि भी पानी मॉर्निंग में ही चला जाता है। और मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, तो सुबह इस टाइम पे कपड़े उपड़े खंगल चुके हैं। और मैंने यहाँ बर्तन वर्तन धो के बर्तनों को हाथों हाथ लगा भी दिया है, और जो टोकरा है वो सिंक में खड़ा कर दिया ताकि वो सूख जाए। और इधर मैंने कुकर में पानी भर के रखा है, क्योंकि पानी आजकल ऐसी हो रहा है जल्दी, मतलब थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। और यहाँ पे अब मैं जो बिस्तर है बेड का, ये चादर वगैरह, ये मैं ठीक करने कर रही हूँ। तो कृष्णा बिस्तर पे लेटा था, मैंने कहा एक बार खड़ा हो जाओ, मैं चादर बिछा दूँ। और कृष्णा जो है वो टीवी देख रहा था, तो इसका फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, रामायण आती है शाम सुबह मॉर्निंग में, तो वो देख रहा है। और बस मैंने कहा चलो चादर बिछा देती हूँ, चादर को मैंने झाड़ लिया है। और ये बेड का सिराना रोज़ साफ़ होता है, रोज़ समेटते हैं, फिर इसमें सामान इकट्ठा कर देते हैं, मतलब बैठते हैं तो सामान जहाँ उठाते हैं वहीं रख देते हैं। तो वही मैंने गीले कपड़े से, मैंने कहा सिराना भी कपड़ा फेर देते हैं, उसमें धूल आ जाती है। तो कृष्णा को मैंने कहा तू उधर है तो उधर कपड़ा फेर दे। और मॉर्निंग में मैं ऊपर छत में गई थी कपड़े फैलाने, तो जो सीढ़ी होती है ना हमारी लोहे की सीढ़ी है, तो उसका जो पाइप निकला था उसमें मेरा सूट फंस गया, ये किनारे से सिलाई निकल गई है। तो मैंने कहा चलो अभी नहाऊंगी तो चेंज हो ही जाएगा ये, और बस झाड़ू लगाऊंगी, और पोछा जो है वो गुड्डू लगा देगी। आजकल बच्चे घर में हैं और गुड्डू घर में है, तो पोछा वगैरह लगा देती है, काम हमें हाथ बटा देती है मेरा। और बस जब स्कूल खुल जाएंगे फिर तो ये सब कुछ खुद ही करना है। हमारे यहाँ पे सुबह से ही ख़राब हो रखा है, पूरा बादल ही बादल हो रखा है, काला काला। तो बस ऐसा हो रहा है कि पता नहीं कितनी बारिश पड़ेगी। फिर भी मैंने कपड़े ऊपर डाल दिए थे, फैला दिए थे पर्दे, इन्होंने सुबह ही पर्दे खोल दिए थे। तो अब वो है कि अब पर्दे खोलेंगे भी ये और लगाएंगे भी यही, क्योंकि उनमें पेच लगे होते हैं, तो यही पेच कस से लगाएंगे। और बस हमारा ये मॉर्निंग का जो रूटीन है ये लगभग हो ही चुका है। अब गुड्डू ने पोछा कर दिया है और मैं जाके नहा लूँगी। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ, और बाल मैंने धोए नहीं है क्योंकि कल धोए थे, और फिर कल संडे को धोऊंगी, क्यों वो है शिवरात्रि है कल। और यहाँ पे गुड्डू की मैं चोटी बना रही हूँ, तो मैंने कहा गुड्डू आ जा, मैं आज तेरी 2 चोटी बना देती हूँ।
तो अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मैंने गुड्डों के जो है नीचे बालों की ट्रिमिंग करी थी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। और उस दिन से आज के दिन में मेरे गुड्डों के उतने ही बाल दोबारा से बढ़ गए हैं जितने मैंने कटिंग करे थे, फिर दोबारा उतने ही बड़े बाल हो गए हैं। तो गुड्डों के बाल जो होते हैं मैं 1.5 महीने या 2 महीने के बीच में उसके बालों की ट्रिमिंग कर देती हूँ और फिर वो उतने हो जाते हैं। तो क्या होता है, 2 मुहे बाल होते हैं ना, तो ऐसे बालों की ट्रिमिंग करते रहना चाहिए, उससे क्या होता है बाल जल्दी बढ़ते हैं और बढ़िया हेल्दी हो जाते हैं। और वैसे भी मैं इसके बालों की बहुत केयर करती हूँ, तेल लगाना, अच्छे से मसाज वगैरह करना, मालिश करना, और मैंने कई वीडियो में दिखाया भी है आपको कि कौन सा मैं तेल इसका यूज़ करती हूँ जो लगाती हूँ बालों में, और कौन कौन से तेल हैं जो इसके बालों में मैं मसाज करती हूँ जिससे इसके बाल अच्छे हो जाते हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मुझे बता देना, मैं लिंक दे दूँगी आपको। तो बस यहीं पे हमारा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो तो हो चुका है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अभी अभी मैंने सारा काम निपटा लिया है, झाड़ू पोछा बर्तन सब निपटा लिया है, और कपड़े जो हैं वो मॉर्निंग में ही सुबह ही धो दिए थे, 5:30 बजे आज कपड़े धो दिए हैं। क्योंकि क्या हो रहा था, एक तो बारिश का मौसम है और बारिश का कुछ पता नहीं चलता कब आ जाएगी कब चली जाती है, धूप निकलती है फिर भी बारिश हो रही है, बारिश का कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा है। और हुआ क्या है, मतलब कपड़े तो मैंने मशीन में डाल दिए थे, मैंने कहा चलो मैं इधर का काम निपटा लूँगी, तो उधर मेरे हस्बैंड ने वो कपड़े खंगाल दिए, तो वो मैंने शूट नहीं किया है। अच्छा नहीं लगता ना कि हस्बैंड कपड़े धो रहे हैं और मैं आपको दिखाऊं, फिर कुछ लोग यूँ कह देंगे कि आप खुद तो काम करते नहीं, अपने पति से काम करवाती हो, तो फिर थोड़ा सा वो अजीब लगता है। लेकिन सच बात यह है कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बच्चे भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, परसों का मेरा वीडियो था जो मैंने होम क्लीनिंग का दिखाया था थोड़ा सा, कल कोई वीडियो नहीं बनाया है और आज ये वीडियो बनाया है और ये अब दिन में मैं पोस्ट कर दूँगी। तो कल इसलिए नहीं बनाया था, कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने आपको बताया मेरी कमर में दर्द बहुत रहता है, तो सच में मेरी कमर में दर्द रहता है, ऊपर से मेरी नस का दर्द उठता है यहाँ पे, और उस टाइम जब दर्द उठता है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मतलब रोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं रह जाता है, सर पटक पटक कर रोती, इतना दर्द होता है। तो फिर कल कोई वीडियो नहीं बना है और आज बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए सॉरी। और मेरी एक नंद है, मेरे गांव से ही है वो, और उन्होंने बोला भी भाभी प्लीज़ वीडियो डालो प्लीज़, तो मैंने उन्हें बताया, तो सॉरी पारुल, और थोड़ी थी दिक्कत। और बस अभी भी मौसम जो है बारिश का हो रहा है, कपड़े वैसे लगभग सूख ही चुके हैं, पर्दे तो हवा में हो गए थे तो मैंने इनसे लगवा दिए हैं पर्दे। पर्दों का क्या होता है ना कि वो पर्दे जो है ना वो तार में, जो स्प्रिंग वाले तार आते हैं ना उसमें हमने लगा रखे, पाइप वगैरह अभी हमने फिटिंग नहीं करवाई है। तो क्या होता है, जो स्प्रिंग का ना उधर ना पेच होता है वो इन्होंने ही फिट कर रखा है, तो यही निकाल सकते हैं यही लगा सकते हैं, मेरे से नहीं होता है, तो फिर इन्होंने ही सुबह निकलवाए हैं। और फिर जो ड्रायर में हो गए पर्दे जल्दी सूख जाते हैं, हवा में जल्दी सूख जाते हैं, मॉर्निंग में तो हवा अच्छी रहती है अच्छी खासी हमारे यहाँ, और वो हवा में सूख गए। और अब ऐसा मौसम हो गया ना कि बता नहीं सकती, बहुत बारिश वाला मौसम हो रहा है, और आपने भी देखा होगा कि वीडियो में भी काला काला ही आ रहा है, तो उसका तो खैर कुछ नहीं कर सकती, लाइट जला रखी है मैंने, फिर भी काला काला आ रहा है वीडियो में, क्योंकि क्या हो रहा है मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, काला हो रहा है। मैं कह रही थी या तो बढ़ी जाए बारिश खूब तेज तो दिन निकले, पर ना तो ये बरसने में आ रहा ना ही कुछ, लेकिन होगी बारिश बहुत तेज होगी। तो मैं नहा धो के बैठी हूँ, सारा काम निपट चुका है, नाश्ता भी हो चुका था, और ये काम पे गए हैं, यही बगल में पड़ोस में गए हैं काम पे, क्योंकि आज शनिवार इतवार को हमारा यहाँ पे पूरा बंद कर दिया है, पूरा मतलब कहते हैं कर्फ्यू पूरा लग गया है, इतना सख्त लगा है कि रास्ते में नहीं निकल सकते हैं, दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है। इसलिए जो दूध है वो भी मैं कल लेकर आ गई थी, शाम को ही लेकर आ गई थी, क्योंकि हमारे देहरादून में भी केस आ गए हैं, बहुत केस आ गए हैं, तो इसीलिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने सब कुछ बंद कर दिया है आज और कल, तो इन्होंने कहा चलो पड़ोस में है काम इनका चल रहा है वहाँ चले गए हैं। तो बस, और आज हमारे यहाँ ना आज सुबह मैंने अपनी सासू माँ से फ़ोन पर बात करी, क्योंकि क्या हो रहा था, ये कह रहे थे सुबह सुबह, कह रहे कि आज ना शिवरात्रि है नहा लो सब, तो पानी गर्म कर दिया उन्होंने, बड़ा वाला बेटा नहाने चले गया। मैं कह रही शिवरात्रि आज तो नहीं है, आज 18 तारीख है, मैंने कहा
क्योंकि बात होती रहती है मेरे ससुराल वालों से, मेरी देवरानी से, सास से। मैंने कहा नहीं, छोटी वाली तो कह रही थी कि 19 तारीख की है, फिर मैंने गूगल पे देखा तो वहाँ पे भी 19 तारीख की थी। फिर मैंने सासू माँ को फ़ोन किया, कह रही नहीं कल तो शिवरात्रि है और आज हमारे यहाँ वो कुछ अत्ते अत्ते बोलते हैं, अत्ते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिया बत्ती होती है और आज के दिन तवा नहीं चढ़ता, रोटी नहीं बनती है। तो जब मम्मी ने फ़ोन किया था तो उस टाइम मैंने चाय बना रखी थी, तो रोटी तो बनानी नहीं थी, फिर मैंने ना ब्रेड वगैरह रखी थी तो वो मैंने गर्म करके दे दी, ने खा लिया। अब दिन में मैं दाल चावल बनाऊंगी और रात का देखते हैं कैसा होगा, क्योंकि दिन में भी चावल और रात को भी चावल इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम तो खा लेंगे। वैसे मम्मी कह रही थी कि जमे वगैरह बना लेना, लेकिन जमे ख़त्म हो गए हैं और घर में मम्मी ने बना के रखे हैं, अचार भी बना के रखा है, जमे भी बना के रखे हैं, पर वहाँ जाना नहीं हो रहा है। सामान हमारा सब कुछ, घी शक्कर गुड़ सब कुछ रखा है हमारा, लेकिन वहाँ से लाना है और जाना नहीं हो रहा है। यहाँ से उत्तराखंड से बाहर नहीं जा सकते हैं, यूपी में एंट्री नहीं है। अब देखते हैं जन्माष्टमी में अगर खुल जाता है तो, जन्माष्टमी में प्रोग्राम बन रहा है कि हम लोग विद फैमिली जाएं वहाँ पे जन्माष्टमी मनाने, और इसलिए मैंने आज अपने बाल नहीं धोए हैं और कल धोए थे, कल नहाए थे, कल धोए थे, आज नहीं धोए हैं, तो कल शिवरात्रि कल धोंगी। और ना मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी, मैं ना अपने बालों की कटिंग कराना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत पतले हैं और आप लोग मुझे बताना कि कैसी कटिंग कराऊँ, कैसे मेरे बाल मतलब चेहरे पे कटिंग अच्छी लगेगी। वैसे मैंने करवाई थी 2 साल पहले कराई थी, तो उस टाइम मैंने स्टेप कटिंग करवाई थी, आपने मेरे उसमें देखी होगी, जो मेरा चैनल है, चैनल पे मेरी जो डीपी लगी है ना, वो वाली कटिंग मैंने करवाई थी। फिर बाल बड़े हो गए, फिर मैंने कराया नहीं, और अब ना मुझे ना बहुत ऐसा लगता है चुपू चुपू सा, तो आप लोग बताना कैसी कटिंग अच्छी लगेगी मेरे चेहरे पे। और गुड्डो ने बिंदी लगाई है, आजा आजा दिखा, बिंदी नहीं है ये काजल है, आजा दिखा। गुड्डो ने 2 चोटी बना के आज काजल की बिंदी लगाई है, कैसी लग रही है? वो नहीं होते चेन्नई के साउथ के है ना, साउथ की गर्ल लग रही है मेरी बेटी आज, 2 चोटी में और बिंदी में, काजल इल्ले अन्ना इल्ले है ना, इल्ले तो बोलती है ना वो। और आज सच में इसके कैमरे का बहुत वो हो रहा है, काला सा हो रहा है, क्योंकि बादल बहुत वैसा हो रहा है और कुछ साफ नहीं आ रहा है। तो बस मैंने कहा आपका वेलकम करना था, और फिर बातें तो बहुत रहती है पर वो होता है ना, टाइम चला जाता, बताओ 9 मिनट हो चुके हैं। और ठीक है, फिर दाल चावल बनाना है मैंने दिन में, और कुछ नहीं बना। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, इवनिंग का टाइम है और बारिश कितनी बढ़िया तेज़ वाली बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा चलो बारिश हो रही है तो क्यों ना कुछ बनाया जाए। और ये भी घर में थे, आगे थे, तो मैं फिर बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ। तो आलू बाल के ये मैंने मैश कर लिए हैं, और उसमें मैंने हरी मिर्च डाली है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो मिर्च तेज़ हो गई हो, क्योंकि हरी मिर्च तेज़ थी। तो फिर मैंने जब ये बेसन का जो ऊपर का घोल होता है वो बनाया, उसमें मैंने मिर्च नहीं डाली है, सिर्फ हल्दी और नमक डाला है और मिर्च नहीं डाली। मुझे लगा तेज़ हो जाएगी पर वो हुई नहीं, और सच में ब्रेड पकौड़ों का स्वाद बहुत टेस्टी बने हैं जब मैंने आज खाए हैं। और ये ब्रेड तो मैं लाई थी नाश्ते के लिए, लाई थी ब्राउन ब्रेड है जो, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ब्रेड पकौड़े बनाते, लेकिन ये ब्रेड जो होती है ना, ये वाली बहुत अच्छी ब्रेड थी। इस ब्रेड से मैंने बनाए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आया है ब्रेड पकोड़े में। और जब मैं इसे काट रही थी ना, सैंडविच वाला मतलब पूरी फीलिंग आ रही थी, सैंडविच की तरह ये कट रहे थे, और सच में ये बहुत बढ़िया बने हैं, इनका स्वाद बहुत अच्छा था। जो वाइट ब्रेड आती है ना, उससे अच्छी ब्रेड थी ये। तो मैं तो आगे जब भी बनाने वाली हूँ यही ब्रेड लाने वाली हूँ, और आप भी ट्राई करना ये वाली ब्रेड ला के। तो बस वह मैं इसमें ब्रेड के बीच में आलू भर के और बस फ्राई कर लूँगी, सबको आते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं, बस मैंने बनाए थे तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। दोपहर का लंच मैंने बताया था आपको, दाल चावल बनाए हैं तो मसूर की दाल चावल बना लिए थे, बस ये इवनिंग का मैं बना रही हूँ, और रात का तो पता नहीं, देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैंने फिर आगे नहीं कंटिन्यू करा है, यहीं से मैं अपना वीडियो का एंड कर दूंगी। और यही बोलूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल भी ऑन कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो अपना प्यार अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए, और मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन मेरा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। हर वीडियो के साथ मुझे एक उम्मीद रहती है और एक होप रहती है। तो मैं कई बार ऐसा होता है कि डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मन उदास हो जाता है, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, मेरी जो फ्रेंड है मैं उसे फ़ोन कर लेती हूँ। होता है ना, अगर कोई मन में दिक्कत है परेशानी है तो अपने जो फ्रेंड वगैरह होते हैं अपने होते हैं उन्हें उनसे बात कर लो तो हल्का हो जाता है मन। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और बस उम्मीद है मन में कि आज नहीं तो कल चैनल ग्रो ज़रूर होगा। सबका होता है तो मेरा भी ज़रूर होगा। सब मेहनत करते हैं, मैं भी वही मेहनत कर रही हूँ। सब वही ब्लॉग बनाते हैं, मैं भी वही बना रही हूँ, तो मेरा ग्रो ज़रूर होगा। बस ये कि थोड़ा सब्र की करना है मुझे और मेहनत करनी है, और मेहनत तो मैं कर रही हूँ, जितनी हो रहा है मैं से उतना कर रही हूँ, और सब्र भी मैंने रखा हुआ है। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ देर हो सवेर हो लेकिन अच्छा फल मिल जाए मुझे और मेरा चैनल ग्रो कर जाए। तो ब्रेड पकौड़े जो हैं मैंने एक बार तो तल के निकाल लिए हैं और चाय बना ली है और सबको दे दिए हैं खाने के लिए, तो गर्म गर्म गर्मा गर्मा है। आप भी खा लीजिए ब्रेड पकौड़े। काश मेरे बस में होता तो मैं आपको भी खिलाती, और सच में इसका स्वाद आप भी बताते कि सच में बहुत टेस्टी बने हैं। अगर हम बाहर से ख़रीदते हैं तो पैसे के तो लगते हैं, और आजकल क्या है कि ऐसे मैं ना मन भी नहीं मानता है कि बाहर से कुछ खाएं या कुछ लाएं। मैं तो बिल्कुल भी, मेरे मन में पता नहीं क्या हो गया, बाहर से अब कुछ भी लाना या खाना बहुत दिक्कत होगी मुझे, तो मैं घर में ही बना लेती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक है और आशा करूँगी आपको पसंद आएगा, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए।